शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नकाश अमजद शेयर कर रहे हैं लाहौर से। नकाश कहते हैं कि आज आपके साथ मैं बेहद डरावना एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसा केस जिसको मैंने सॉल्व किया, और ये केस इस्लामाबाद सेक्टर G11 का है। ये तब की बात है, एक दफ़ा मैं मियानी साहब कब्रिस्तान से ख़ास पढ़ाई करके रात के टाइम घर वापस आया तो कोई 3 बजे का टाइम होगा। अभी मैं घर वापस आया ही था तो हम लोगों के दरवाज़े पर दस्तक हुई। अब वो आधी रात का टाइम था, मेरी मिसेस जाग रही थी। उन्होंने ये कहा इस टाइम कौन हो सकता है, तो मैंने उन्हें ये कहा कि रुकें, मैं अभी पढ़ाई करके आया हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ कि कोई शैतानी मखलूक तो नहीं मेरे पीछे आ गई। मैंने अपने अमल के ज़रिए चेक किया तो बाहर कोई भी शैतानी मखलूक नहीं थी, ना ही कोई चोर था। फिर जाकर बिल आखिर हमने दरवाज़ा खोला। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़की जिसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान में होगी और उसके साथ एक बूढ़ा शख्स और एक बूढ़ी औरत थे। मैंने उन लोगों को जब देखा तो मैंने ये कहा कि आप लोग कौन हैं, तो उनका ये कहना था हम लोग बहुत मजबूरी में बहुत मुश्किल से आप तक पहुँचे हैं, हम लोग आपके शाह साहब के मुरीद हैं। दरअसल इस फैमिली का एक केस पहले हम लोगों के जो मेरे शाह साहब थे वो सॉल्व कर चुके थे, वो भी एक लड़की का केस था और वो अब अमेरिका में होती है। शाह साहब के दुनिया से रुखसत होने के बाद उनके ये मुरीद मेरे पास आए। मैंने उन्हें बहुत इज्जत से अपने घर में बुलाया, अंदर बिठाया, सर्दियों की रात थी, चाय शाय का इंतज़ाम किया। जैसे मैं ड्राइंग रूम में गया तो मैंने उन लोगों से मुखातिब होकर ये कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं और यकीनन हम लोग इतनी मुसीबत में हैं कि हम लोगों को टाइम का भी एहसास नहीं और हम लोग बहुत मुश्किल में आए हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे सारी बात बताएं कि मसला क्या है, तो उस लड़की ने ये कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकती, जो भी बताएंगे मेरे फादर इन लॉ बताएंगे, क्योंकि अगर मैंने कोई बात बताई तो मेरे हस्बैंड की जान को ख़तरा हो जाएगा। तभी वो जो साहब थे उन्होंने कहना शुरू किया कि ये मेरी बहू है, हम लोगों का इकलौता बेटा है जो कि एक बहुत भयानक चुड़ैल की जद में है, एक चुड़ैल की कैद में है, और उस चुड़ैल ने 1 महीना दिया है। अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर हमने उस चुड़ैल की कैद से अपने बेटे को आज़ाद ना करवाया तो वो हम लोगों के बेटे को मार देगी। ऑलरेडी 7 दिन गुजर चुके हैं, अब 23 दिन बाकी बचे हैं, और इन 7 दिनों में जो शाह साहब हैं वो हमें ख्वाब में मिलते रहे और मुसलसल आपका नाम और पता हमें बताते रहे। आज यहाँ पर आकर आपको जानने और देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि उन्होंने जो पता बताया वो ठीक है। फिर उन लोगों ने बताना शुरू किया, जब हम लोगों के बेटे की हम लोगों ने शादी की तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे ये सैर व तफरी के लिए मरी चले गए। वहाँ पर 7-8 दिन स्टे के बाद जब ये लोग वापस आए तो हम लोगों का बेटा जो है वो अपने रूम में था 2nd फ्लोर पर, और हम लोगों की बहू हम लोगों के पास नीचे बैठी बातें कर रही थी। तभी एकदम से ऊपर वाले कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई घुर्रा रहा है, कोई चिल्ला रहा है। हम लोग तीनों बयक वक्त भागते हुए ऊपर गए। जब हम लोगों ने हमारे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अगला मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। एक काले रंग का साया था, एक परछाई थी जो हवा में लहरा रही थी, उसकी सुर्ख आँखें थीं,
हम लोगों का बेटा बेहोश पड़ा था। जब हमने दरवाज़ा खोला, उस परछाई ने बाकायदा पलटकर हमारी तरफ देखा और खिड़की से बाहर निकल गई। उस वक्त उस परछाई की सिर्फ लाल लाल आंखें नज़र आ रही थी। हम लोग तो परेशान हो गए कि ये क्या है। जब हमने आगे जाकर देखा तो हम लोगों का बेटा बेहोश पड़ा था और उसके मुँह से ऐसा पानी निकल रहा था जैसे झाग होती है। हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आके चेक किया तो डॉक्टर का ये कहना था कि ये खौफ के मारे बेहोश हो चुका है। अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग सब इसी कमरे में सोएंगे, क्योंकि हम लोगों का इकलौता बेटा था और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आधी रात का टाइम हुआ तो हम लोगों की बहू की भयानक आवाज़ें गूंजने लग गईं। जब हमने आँख खोल कर देखा तो वो जो चुड़ैल थी हम लोगों की, वही जो साया था काले रंग का, हम लोगों की बहू का गला दबा रही थी। जैसे ही हमने लाइट्स ऑन की वो उसको छोड़कर भाग गई। अब हम लोग बहुत डर गए। अगले दिन हम लोग पास से ही एक बुज़ुर्ग को लेकर आए। जब वो आए उन्होंने पढ़ाई की और ये कहा कि आपके बेटे के ऊपर पारसी चुड़ैल का साया है। पारसी चुड़ैल एक ऐसी चुड़ैल की किस्म है जो नहायत हैबतनाक, ख़तरनाक, भयानक और बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ये इंसान का खून और गोश्त खाती और पीती है। इसको कैद करना इतना आसान नहीं होता। ये बाकी चुड़ैल की नस्बत जो आम चुड़ैल होती है उससे कई ज़्यादा ताकतवर और भयानक होती है। वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये कहा कि मैं शाम को आऊँगा। ये कहकर वो हम लोगों के घर से बाहर निकले और वहीं पर उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। इसी तरह से अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों के बेटे को अजीबोगरीब बीमारी लग गई। वो खून की वॉमिटिंग करता था और एक दफ़ा तो हद हो गई, उसने खून की वॉमिटिंग की। हम लोगों ने खुद उसको देखा और उसने वही खून की वॉमिटिंग चाटनी शुरू कर दी। मेरी बेगम वहीं पर देखकर बेहोश हो गई। उसने अपनी बीवी को बहुत ज़ोर से धक्का दिया, वो दूर जाकर गिरी। फिर भी मैं और मेरी बहू जब उसको बचाने लगे तो उसने बहुत ताकत के साथ हम दोनों को उठा लिया और ये कहा, मेरी तरफ़ देख कर ये कहा कि मैं तेरे बेटे को मार दूँगी। उसके अंदर एक औरत बोल रही थी। मैं समझ गया कि उसके ऊपर पारसी चुड़ैल का ही बसेरा है। अब वो कहते हैं कि हमने बहुत से आप लोगों के पास गए, बहुत से दरबारों पर गए, हर जगह पर दम करवाया, लेकिन बहुत से आमिल गायब हो जाते थे, कुछ फौत हो जाते थे, उसका काम कोई भी नहीं कर सका। बिल आखिर हमें ख्वाब में शाह साहब नज़र आए। उन्होंने 7 दिन हमें आपके बारे में बताया और आज हम आपके पास हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारा बेटा गायब हो चुका है। हमें नहीं पता वो चुड़ैल उसे कहाँ पर लेकर गई है, वो अपने कमरे से ही गायब हुआ है। जब मैंने उनकी बातें सुनी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने उन्हें ये कहा कि हमें टाइम वेस्ट किए बिना ही अभी इस्लामाबाद निकलना होगा आपके घर के लिए, क्योंकि पहले ही काफ़ी दिन कम रह चुके हैं, 23 डेज़ हैं और आपके बेटे को ढूंढना भी है। खैर मैंने अपने घर वालों को बताया, अपना बैग पैक किया और हम लोग रात को ही वहीं से निकल पड़े। जब हम लोग सुबह इस्लामाबाद पहुँचे 4.5 घंटे के बाद उनके घर में आया, उनके घर का मैंने विज़िट किया। उनके घर में उनका एक लॉन था, वहाँ पर 2 दरख्त थे। वो दरख्त जो थे बहुत ऊंचे थे और उन दोनों दरख्तों के दरमियान तकरीबन 10 फीट का फासला था जिसको पत्तों ने घेरा हुआ था। उस जगह को देखकर मुझे कुछ एहसास सा होने लग गया कि कुछ ना कुछ इस तरफ ज़रूर मौजूद है। मैंने उनके पूरे घर का हिसार किया। वहाँ पर मैंने लोबान की धुनी दी, उसके बाद उनके घर के जो 4 कोने बनते थे वहाँ पर हिसार किया और ये कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब इस घर में तो कोई शैतानी मखलूक दाखिल नहीं हो सकती। तभी उन दरख्तों की तरफ से मुझे एक कहका सुनाई दिया जो ये कह रहा था कि आ गया तू तो भी बचकर नहीं जाएगा। मैंने उस बात की कोई परवाह नहीं की। मैंने उन लोगों को ये बताया कि यहाँ पर मैंने उनके घर का हिसार करने से पहले कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें मंगवा कर उनके सदकात किए, उसके बाद उनके घर का हिसार किया, फिर पढ़ाई शुरू कर दी तो मुझे पता चल गया कि उनका बेटा कहाँ पर है। मैंने उन लोगों को ये कहा कि आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों का बेटा ज़िंदा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस चुड़ैल ने उसकी एक टांग खा दी है और अब वो खारदार जंजीरों में जकड़ा हुआ है जहाँ से खून टपक रहा है और वो पारसी चुड़ैल कतरा कतरा उसका खून चूस रही है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अफसोस करने लगे, लेकिन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का बेटा कहाँ पर है। मैंने उन्हें ये कहा कि यहाँ पर जो सामने पहाड़ हैं उन पहाड़ों के ऊपर पीर स्वाहा एक जगह है, उस जगह के नीचे एक गहराई है, वहाँ पर एक जंगल है, उस घने जंगल को पार करने के बाद एक आबशार है,
उस आबशार के बाद एक और जंगल का हिस्सा है। वहाँ पर एक घर है, वो घर उस घने जंगल के दरख्तों में घिरा हुआ है। उस घर के अंदर आपका बेटा है और हमें वहाँ पर जाना होगा। उन लोगों को लेकर मैं उस पहाड़ के ऊपर आ गया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। मैंने लोगों को ये कहा कि आप हस्बैंड वाइफ यहीं पर रुकेंगे, मेरे साथ सिर्फ आपकी बहू जाएगी, क्योंकि आपकी बहू ही है जो उस चुड़ैल से अपने खावन को बचाएगी और उसका मुकाबला करेगी। उस चुड़ैल को मार तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी वो इनकी ज़िंदगी से नहीं जाएगी और बार बार इन्हें तंग करेगी। जब वो मखलूक देखेगी कि एक बीवी अपने सुहाग को बचाने के लिए उसके साथ मुकाबले पर उतर आई है, तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। मैंने उस लड़की को साथ लिया, उसको लेकर नीचे गहराई में उतरे। जब जंगल का हिस्सा शुरू हुआ तो मैंने उस पर हिसार किया, उसका जिस्मानी हिसार किया और उसको ये कहा कि बेटा, कोई चीज़ भी तुम्हें नज़र आए तो तुमने घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सी मखलूकात से सामना करना होगा। लड़की हिम्मत वाली थी और वैसे भी वो अपने शोहर को बचाना चाहती थी। हम लोग निकल पड़े, मैंने अपना भी जिस्मानी हिसार कर लिया। अभी हम थोड़ा ही दूर गए थे, एकदम से एक भयानक कहका सुनाई दिया। जब हमने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर हमने जो मखलूक देखी उसको देखकर मेरा दिल दहल गया। उसकी हाइट 3 फीट थी और उसकी गर्दन 20 फीट ऊंची थी। उसके जिस्म पर बहुत बाल थे, बाजू बहुत लंबे थे, नाक बहुत लंबी थी। उसने हंसकर ये कहा, तुम आ गए हो, हम तुम्हारा 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। आप यकीन करें, यह बात बिल्कुल सच है, उसने मुझे यूं ही कहा। मैंने अपना हिसार किया हुआ था, मैं उसके सामने गया और मैंने उसे ये कहा कि तुम कौन हो और मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो। तो उसका ये कहना था कि पिछले 12 साल से हम इस पारसी चुड़ैल की कैद में हैं, हमें इस चुड़ैल की कैद से रिहा कर दो, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है, हम इसकी कैद से रिहा नहीं हो सकते। मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम सबको आज़ाद कर दूँगा, पहले मुझे एक और काम करना है। मैं उस लड़की के पास आया और हम लोगों ने अब आगे जाना था। जैसे ही हम लोगों ने आबशार को तलाश किया, आबशार के बाद जंगल का घना हिस्सा शुरू हो गया। जब हम वहाँ पर आए तो सामने हम लोगों को एक घरनुमा हिस्सा नज़र आया। मैंने उस लड़की से ये कहा कि बेटा, अपना दिल मजबूत रखना, रास्ते में जो भी मुसीबत आए हिम्मत मत हारना। उस घर में जब हम लोग दाखिल हुए तो सामने एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के ऊपर बहुत सी चमगादड़ें उड़ रही थीं। वो सारी चमगादड़ें जो थी उस पारसी चुड़ैल की कैदी चुड़ैलें थीं, उसकी ताबे चुड़ैलें थीं जो वहाँ पर पहरा दे रही थीं। मैंने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से वहाँ पर कलाम पढ़नी शुरू की तो वो सारी जो चुड़ैलें थीं वो वहाँ से बाहर भाग गई, गायब हो गई। फिर मैंने उस तालाब का जायज़ा लिया, वो तालाब ज़्यादा गहरा नहीं था। मैंने उस लड़की से ये कहा, अब तुम्हें मेरे साथ तालाब में उतरना होगा, घबराना मत, कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की मेरे साथ तालाब में उतरी। हमें तालाब पार करके उस पार से चुड़ैल के इलाके में जाना था। जैसे ही हम लोग तालाब में उतरे, मैं भी तालाब के किनारे पर ही था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो उस लड़की का एक पांव भी पानी में ही था। वहाँ पर एक काले रंग का हाथ उभरा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल थे। उसने जैसे ही उस लड़की को पकड़ना चाहा, लड़की पर मैंने हिसार किया हुआ था, उसने उसके पाँव को टच किया तो उसको एक करंट लगा और वो चीखे मारता हुआ बाहर भागा। लड़की काफ़ी डर गई, कहने लगी ये क्या था। मैंने उसे ये कहा कि ये उसी पारसी चुड़ैल के ताबे जिन था, अब ये वापस नहीं आएगा। जो कुछ इस अंधेरे में पीछे जा चुका है वो ख़त्म हो चुका है, अब आगे बढ़ो। जब हम लोग उस तालाब से बाहर निकले तो सामने एक सुराख नुमा रास्ता था, वो देखते ही देखते कम हो रहा था। मैंने उसे ये कहा कि हमें इस रास्ते के अंदर जाना है। जब हम लोग उस सुराख के रास्ते से निकले तो सेम वही मंजर था जो देवशाही के मकाम पर था। सामने एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर कुर्सी थी और उसके साथ एक और पहाड़ी थी 20 फीट फासले पर। वहाँ पर उसका शोहर जंजीर में बांधा हुआ था। मैंने उस लड़की को समझाया था कि अपने शोहर के करीब मत जाना, वरना जैसे ही उसको हाथ लगाओगी जल जाओगी, जब तक मैं तुम्हें इजाज़त ना दूँ, जब तक उस चुड़ैल को ख़त्म ना कर दें। उस लड़की ने जब अपने शोहर को देखा तो उसकी तरफ भागने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका और समझाया। सामने कुर्सी पर पारसी चुड़ैल भी थी, बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आँखें सुर्ख अंगारे की तरह थीं और उसके दोनों पाँव उल्टे थे, जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे और वो बहुत हैबतनाक थी। उसने एक कहका लगाया और ये कहा कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और बहुत मेहरबानी, तुम अपने साथ एक और शिकार को भी लेकर आए हो, पहले मैं इस लड़की को खाऊंगी, फिर तुम्हें खाऊंगी और इस लड़के की तुम्हें बलि दूंगी। मैंने उसे ये कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
उसने कहा कि तुम में अगर हिम्मत है तो हिसार से बाहर आओ। अब मैंने हिसार से बाहर जाना था तो तभी उसको हाथ लगा सकना था और मैंने उसको अपने काबू में करना था। मैंने हिसार तोड़ा, बाहर निकला तो उस चुड़ैल ने अपनी आंखों से एक अंगारा निकाला जो मुझे छू तो नहीं सका। मैं भी नीचे बैठ गया और उस लड़की को भी नीचे बिठा दिया, लेकिन मैं कुछ दूर जाकर गिरा। पलक झपकते वो चुड़ैल मेरे सामने थी। जब मैंने उस चुड़ैल को देखा, उसने मुझे गले से पकड़कर हवा में उछाला। मैं दूर गिरा। मैंने उठकर फौरन सूरत मुजम्मल पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैंने सूरत मुजम्मल पढ़ी, वो चुड़ैल की हालत गैर हो गई और वो ज़ख्मी हो गई। मैंने फौरन से भागकर छलांग लगाई और उसकी चोटी पकड़ ली। वो बार बार ये कह रही थी, मेरी चोटी छोड़ दे, मेरी चोटी छोड़ दे, मेरे बाल मत काट। देखते देखते उसका जिस्म फैलने लग गया और वो एक हाथी जितने साइज़ की हो गई। मैंने उस लड़की से ये कहा, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारे पास कैंची है, आकर इसकी चोटी काट दो। लड़की भागती हुई आई, पूरी ताकत के साथ उस चुड़ैल की चोटी काट दी और फौरन से मैं उस चुड़ैल से पीछे हट गया और हमने फिर हिसार कर लिया। वो चुड़ैल चीखें मारने लग गई, बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे में आ गई। उसका चेहरा बहुत हैबतनाक था, कोई और देखता तो शायद उसकी जान ही निकल जाती, लेकिन हिम्मत करनी पड़ी। मैंने उस लड़की से ये कहा, जल्दी से इसकी चोटी को आग लगा दो। जैसे उस लड़की ने उसकी चोटी को आग लगाई, चुड़ैल जलकर राख हो गई, भस्म हो गई और गायब हो गई। फिर फौरन से मैंने उसे ये कहा कि अब तुम्हारा शोहर आज़ाद है। हम भागते हुए उसके शोहर के पास गए। उसकी एक टांग आधी जख्मी थी, खाई हुई थी और वो बेहोश था। वो लड़की बार बार उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ पढ़कर उसके कान में फूंका तो वो जाग गया और वो रोने लग गया अपनी बीवी को देखकर। मैंने जैसे कैसे करके उनको वहाँ से बाहर निकाला। जब हम लोग वहाँ से बाहर आए तो वो सारी मखलूकात वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। दरअसल वो जो मखलूक ज़ाहिर हुई थी, वो उन मखलूकात का सरदार था। उसने मुझे एक ख़ास किस्म की अंगूठी दी जो आज भी मेरे पास मौजूद है। उसने ये कहा कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, इस अंगूठी को जब रगड़ोगे तो मैं आ जाऊँगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उन लोगों को लेकर घर आया। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक केस है और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर बहुत से लोग अमल आकर अमलियात बताते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते हैं। तकसीरात पढ़ें, बिल्कुल आप ऐसा वैसा कुछ भी मत पढ़ें जब तक आपके पास इजाज़त नहीं होगी। अगर आपके पास इजाज़त हो तभी आप कोई अमल या वजीफ़ा कर सकते हैं, वरना वो आपको नुकसान दे सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक और केस था जो मैंने सॉल्व किया। बहुत शुक्रिया नकाश अमजद आपका। मेरे कुछ कमेंट्स में मेरे कुछ लिसनर हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ आप उनके कमेंट को देखें और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट ही आगे रेफ़र कर सकती हूँ। जैसे आपको बेहतर लगता है आप उनकी बात सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फराज़ अहमद शेयर कर रहे हैं। फराज़ कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने शहर से बाहर एक गांव में गया हुआ था, मुझे वहाँ पर कुछ काम था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो रात हो चुकी थी। उस गांव के बारे में एक बात मशहूर थी कि वहाँ पर कब्रिस्तान का एक हिस्सा था, यानी रास्ते में खेत खलिहान आते थे, फिर एक कब्रिस्तान आता था, उसके बाद गांव की आबादी शुरू होती थी। लोगों का ये मानना था कि कब्रिस्तान के उस हिस्से की दीवार के ऊपर हर किसी को चुड़ैल नज़र आती है और वो जानी नुकसान पहुंचा देती है। बहुत से लोगों को उसने खाया भी है और मारा भी है। मुझे ये लगा कि शायद ये लोगों का वहम है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और बारिश का मौसम था। मैंने सोचा कि अगर मैं बड़े रास्ते की तरफ गया तो मैं तो बहुत लेट हो जाऊँगा, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए, तो चलो मैं कब्रिस्तान के रास्ते से ही चला जाता हूँ। जैसे मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर आया, वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान, वीरान और डरावना लग रहा था। मैं चलता गया, थोड़ा थोड़ा मेरे दिल में डर भी आ रहा था। जब मैं इस रास्ते पर चल रहा था, मुझे अपनी बैक साइड से छन छन की आवाज़ आई, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा है। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई जानवर बोलता है, जैसे गिदड़ के बोलने की आवाज़ है। मैं और ज़्यादा डर गया। मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ फिर चलने लग गया। पायल की आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब से करीब तर होती जा रही थी। अब मेरे अंदर खौफ की और लहर दौड़ उठी। अब वो रास्ता ख़त्म होने ही वाला था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर चलने लग गया। मुझे अपनी बैक साइड से आवाज़ आई कि रुक जाओ। जब मैंने वो आवाज़ सुनी, मेरा तो दिल दहल गया। मैंने उसको जवाब तो नहीं दिया,
पीछे पलटकर देखा तो क्या देखता हूँ, वहाँ पर एक गाय खड़ी हुई थी। वो गाय बहुत भयानक थी। उसके जिस्म पर बहुत लंबे लंबे बाल थे जो पैरों तक आ रहे थे, और उसका चेहरा औरत का था और धड़ गाय का था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे थे और उसके दांत छुरियों की तरह थे जो उसकी गर्दन तक लग रहे थे। जब मैंने उसको देखा वो इतनी तेज़ी से मेरी तरफ भागी, उसने मुझे टक्कर मारी और मैं कब्रिस्तान के अंदर जाकर गिरा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं वहाँ से उठने की कोशिश करने लगा तो मुझे कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर वही भयानक चुड़ैल बैठी नजर आई। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी और वो एक औरत के रूप में थी। उसका जिस्म बालों से भरा हुआ था, छोटा सा कद था, गर्दन की जगह पर सुराख था, नाक वाली जगह गायब थी। उसको देखने की देर थी, मुझे नहीं पता चला मैं कैसे आयतुल कुर्सी पढ़ता। वहाँ से मैंने भागना शुरू कर दिया। जब मैं गांव की हदूद में पहुँचा वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मैंने गांव वालों को सारी बात बताई। वो लोग मुझे लेकर एक बहुत बड़े सिगत पीर साहब के पास गए। जब उन्होंने मुझे दम किया, उनका ये कहना था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम जिंदा बच गए, वरना वो चुड़ैल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। वो चुड़ैल वहाँ पर बहुत पुरानी कैद है, यानी इस गांव में आबादी होने से पहले की वो चुड़ैल वहाँ पर कैद है और वो अक्सर लोगों को नज़र आती है। उसका वहाँ पर बसेरा है। फिर मैंने 2 दिन वहीं पर गुजारे क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फराज अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मैं आज़ाद कश्मीर के 2 लड़कों की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग घूमने फिरने की गर्ज से नारान का खान सैर पर गए। वहाँ पर जब हम लोग गए, हमने वहाँ पर सारे इलाके जो थे उनको एक्सप्लोर करना था। हमें वहाँ पर एक गांव का पता चला। उस गांव के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, एक ऐसा प्लॉट है जहाँ पर दिन के वक्त भी कोई नहीं गुजरता। यही तजस्सुस हम लोगों को उस गांव में ले गया। जब हम लोग उस गांव में गए, वहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे। उन लोगों ने हमसे बहुत मोहब्बत की। उन लोगों ने हमें सख्ती से मना किया कि फ़लाँ जगह पर एक खाली प्लॉट है, वहाँ पर मत जाना। इतने लोगों के मुंह से सुन सुनकर हमारा तजस्सुस और भी पुख्ता हो गया। खैर, जब शाम हुई, हम लोग अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे कि लोग अपने घरों में चले जाएंगे तो हम उस प्लॉट की जानिब जाएंगे। अंधेरा हुआ तो हम लोग उस प्लॉट में गए। वो एक खाली सा प्लॉट था। वहाँ पर कोई घर नहीं था, कोई मलबा नहीं था। शायद वहाँ पर कभी कोई घर होगा। उस खंडर का कुछ आसार वहाँ पर मौजूद थे। जब वहाँ पर गए, हम लोगों का सर भारी होने लग गया। सर इस हद तक भारी हो गया कि दर्द की शिद्दत बढ़ गई और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने चीखों पुकार किया तो गांव के कुछ लोग निकल आए, हम लोगों को उठाकर अपने घरों में ले गए। उन लोगों ने हमें कुछ पानी पिलाया, कुछ दम करके पिलाया, कुछ मेडिसिन दी और ये कहा कि तुम लोगों को मना किया था कि इस प्लॉट में मत जाना, तुम लोगों ने क्यों ज़िद की। हम लोगों ने उनसे वजह पूछी तो उनका ये कहना था, कुछ अरसा पहले इस प्लॉट में एक जादूगर रहता था। वो जादूगर रात के वक्त यहाँ पर बहुत भयानक अमलियात किया करता था। उस जादूगर को जहरीले सांपों ने डस लिया और वो मर गया। उसकी मौत इतनी अजीबोगरीब तरह से हुई थी कि उसकी लाश को वहाँ से किसी ने उठाया भी नहीं और उसकी लाश को चील कौवे खा गए। उसके बाद से उसका जो लाश का जो ढांचा बचा था वो भी गायब हो गया और लोगों में इतना खौफ पैदा हो गया कि कोई भी डर के मारे उस प्लॉट की तरफ नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर उस जादूगर के अमलियात के जिन्नात मौजूद हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कराची से मेरी एक लिसनर है इकरा अल्ताफ, उन्होंने भी स्टोरी शेयर की है जो मैं कल ऑनियर करूँगी। मेरे एक रेगुलर स्टोरी सेंडर है फरहान असर UAE से, उन्होंने भी स्टोरी शेयर की है जो मैं कल ऑनियर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रही, इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग पोस्ट करूँगी। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं दहशत ज़दा
नॉवल ऑन एयर कर रही हूँ ए हमीद का, ज़रूर विज़िट करें, आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।